अंदर जी। निकालने गया था तो उसने मेरा कार्ड एक्सचेंज कर लिया और उससे मेरे 67,000 रुपीज़ उसने डिफरेंट एटीएम से एन कैश किए। मैं यही कहूँगा कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के उस दिन साइट भी बिल्कुल सर्वर भी डाउन था, तो इस कारण मैं पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बैंक वाले भी थोड़े कोशिश करें कि भाई गार्ड्स लगाएँ 24/7 और सेपरेट चैम्बर बनाएं एटीएम्स का। वो एटीएम मशीन ऐसी है, वहाँ पर डिपॉजिट भी उधर ही है और 67,000। कुछ पता पड़ा आपको कहाँ से निकला है क्या? सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सर, उसके बाद ही पता चला। जो आपके पास जानकारी आई है, आपने बताया कि कुछ 15,000 का पैटर्न बनाया। मैसेज कब आया वो सर? मेरे पास 1 बजे के आसपास मैसेज आया था उसका। क्या मैसेज आया? तो PRCR कोई रिलायंस से किशनगढ़ से उसने पेट्रोल भी भरवाया। एग्जैक्ट मैं नहीं जानता PRCR क्या है, बट कौन सा बैंक है, कहाँ पे था? बैंक ऑफ बड़ौदा सर, GPO के जस्ट सामने। आपका नाम? नील। मुकदमा दर्ज करा जी सर। कल क्या हुआ, ये पैसे उसे लेने के लिए ATM से निकलाने आए थे, तो इनका वो ATM से पैसे नहीं निकले, तो इनके पीछे कोई बंदा खड़ा था, तो इन्होंने कहा बोलो मेरे को दो, मैं निकालता हूँ। तो उस टाइम पे उनसे भी नहीं निकले, तो फिर ये चले गए, वो भी निकल के चला गया। उसके बाद में इसके वो जो पैसे निकलने लगे ना, फिर ये अपने टोल फ्री नंबर से बैंक अकाउंट को लॉक करवा दिया और उसके बाद में मुकदमा दर्ज कराने आए। कितने पैसे निकले ये बता रहे हैं? 67,000 के लगभग। सर पीड़ित का नाम क्या? पीड़ित का नाम है नील मिश्रा। सर आपका नाम और आपका पता? मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद, कांस्टेबल 413।